वहीं 2024 में होने वाले चुनावों को लेकर के भी दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता इस समय अब सिर्फ कांग्रेस के ओर ही देख रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। बिजली खरीद घोटाले से लेकर शराब घोटाले तक आज इस बात का है कि केवल अपने जो है भ्रष्टाचार को अंजाम चला है, पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया जो आज सत्ता में बैठे। लोग त्रस्त है, लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नजर से देख रहे हैं। तभी हर प्रदेश के हर हिस्से से, हर वर्ग से आज लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल।